वेल दोस्तों, नागिन सीजन 6 के स्टारकास्ट से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। तो वहीं पर नागिन सीजन 6 कब से शुरू होगा और इसमें कौन कौन से बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं, पहले एपिसोड में कौन कौन से बड़े रहस्यों को दिखाया जाएगा और कौन से बड़े नागिनों को दिखाया जाने वाला है, आइए इस रिपोर्ट में आप लोगों को विस्तार से बताते हैं कि प्रोड्यूसर एकता कपूर नागिन सीजन 6 में कौन कौन से स्टारकास्ट को मेन लीड कैरेक्टर के तौर पर आप लोगों को दिखाने वाली है। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नागिन सीजन 6 जब से आगाज हुआ है, नागिन के फैंस जो है यही सोच रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आखिर नागिन सीजन 6 कब से आएगा और इसमें स्टारकास्ट कौन कौन से नजर आएंगे। तो वहीं पर प्रोड्यूसर एकता कपूर इस बार के सीजन को सुपर हिट करने के लिए कोई भी कमी नहीं करना चाहती है और इसी वजह से प्रोड्यूसर एकता कपूर इस बार के ग्राफिक्स को पिछले सीजनों से जो है पूरी तरह से अलग कर रही है। प्रोड्यूसर एकता कपूर को नागिन सीजन 4, नागिन सीजन 5 और कुछ तो है नागिन एक नए रंग में, ये तीनों में जो है बारी बरकम नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि ये तीनों जो है टीआरपी के मामले में कुछ भी नहीं कर पाए। तो वहीं पर इन तीनों की जो ग्राफिक्स है एक दूसरे से मैच कर रहे थे, तो वहीं पर पिछले सीजनों से भी जो है इसी तरह के ग्राफिक्स देखने को मिले, इसीलिए प्रोड्यूसर एकता कपूर इस बार के ग्राफिक्स को पूरी तरह से चेंज कर रही है। तो वहीं पर स्टोरी ट्रैक में भी जो है प्रोड्यूसर एकता कपूर मुक्ता दून से लगातार संपर्क कर रही है कि इस बार की स्टोरी जो है पूरी तरह से अलग होनी चाहिए, यानी कि पिछले सीजनों के साथ साथ जो है इस बार के सीजन में जो है पूरी तरह से अलग होना चाहिए। तो वहीं पर जो है इसमें स्टारकास्ट से भी जुड़ी हुई जो है बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं पर हम आपको बताते हुए आ रहे हैं कि मेन लीड कैरेक्टर के तौर पर आप लोगों को नागिन सीजन 6 में नियति फतनानी नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं पर सद्युग में आप लोगों को दो नागिने नजर आने वाली है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जेनिफर विन गेट और रूबिना दिलायक। तो वहीं पर जो है आलिशा परवर का भी नाम जो है सामने जुड़ चुका है क्योंकि फैंस का डिमांड है कि इस बार नागिन सीजन 6 में कोई भी ऐसी कमी ना हो और ना ही कोई ऐसा रिक्स लिया जाए, इसलिए प्रोड्यूसर एकता कपूर इस बार के सीजन में ऐसे कोई भी जो है रिक्स लेना नहीं चाहती है। तो वहीं पर हम बात करें इस बार की नागिन सीजन 6 में नागिन सीजन 5 और नागिन सीजन 1 से ऐसे ताल्लुकात होंगे, ऐसे रहस्य को दिखाया जाएगा जिसका जो है पूरी तरह से जो है आप लोगों को इंटरेस्टिंग बना रहेगा। तो वहीं पर आप लोगों को नागराज के तौर पर सिविन नारायण नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सिविन नारायण नजर आने वाले हैं। तो वहीं पर जैन इमाम का भी नाम सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट यह है कि नागराज के तौर पर सिविन नारायण और जैन इमाम, अब सदयुग में और कलयुग में कौन होगा ये तो आने वाले वक्त में आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन ये दो नाम जो है अब फाइनल होता हुआ सामने आ रहा है क्योंकि प्रोड्यूसर एकता कपूर बहुत ही जल्द इस चीज को रिवील करने वाली है। तो वहीं पर रिलीज डेट की बात करें तो इसका पहला ट्रेजर जो है दोस्तों न्यू ईयर यानी कि जनवरी के में आने वाला है, ऐसी खबरें सामने आ रही है कि एकता कपूर इसकी ट्रेजर जो है बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है। तो वहीं पर इसकी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है आप लोगों को दिसंबर माह तक मिल जाएगा। अगर वही रिलीज डेट की बात करें तो वहीं पर मार्च या जून में यानी कि बिग बॉस के एंड के बाद ही ये जो है शो नागिन सीजन 6 कलर्स टीवी पे आने वाला है। वेल दोस्तों, ये न्यूज सुनकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएगा और कौन कौन से बड़े कलाकार को देखना चाहते हैं अपना राय कमेंट में जरूर बताएगा और नागिन सीजन 6 से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।